फ्रेंड कॉमरन लॉज इंटरनेशनल का स्वागत है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नेटवर्क की इंपॉर्टेंट ऑफ सिस्टम में सिखाई थी, राउटर की इंटरफेसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको राउटर्स काफ़ी बहुत ही नॉलेज दिया है मैंने, और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो राउटर टेक्नोलॉजी जहाँ पर हमारी स्विचेस वगैरह जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको समझाया था। तो इससे पहले बहुत सारे मैंने जो है स्विचेस के सिस्टम्स बताई थी, ट्रंक बोर्ड क्या होता है, ट्रंक क्यों करते हैं, वो भी जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके। और ट्रंक बोर्ड सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसोल बोर्ड, कंसोल सिस्टम क्या होता है, कंसोल कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके। कंसोल टेक्नोलॉजी वगैरह मैंने आपको समझाई। ओके। विलिन हम क्यों क्रिएट करते हैं हम स्विच के अंदर, और ये विलिन क्यों इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर बन चुका है आप लोग। तो जितने भी हमारे राउटर टेक्नोलॉजी, राउटर के सिस्टम हम बात करते हैं तो इंटरफेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके। तो पावर की हम लास्ट वीडियो के अंदर हम बात की थी। ओके। इंटरफेस को मैं वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन पावर और कंसोल पोर्ट की चीज़ आपको दोनों आनी चाहिए परफेक्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट जिसको AUX पोर्ट बोलते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा, कनेक्शन जिसको वही उसको कहते हैं इंटरफेस पोर्ट कहते हैं। ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। रिसेट मैंने आपको हम शुरू करेंगे, तो पावर केबल पावर देने का काम करता है। ओके। अब हम जो आज पढ़ने वाले रिसेट क्यों होता है, राउटर को रिसेट क्यों किया जाता है, या फिर हम कहें कि राउटर के अंदर रिसेट या सर्विसेज क्यों दी जाती है। ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो होते हैं वो इसे सोचते हैं कि अगर राउटर के अंदर हम रिसेट करेंगे तो कोई सेटिंग जो है रिसेट करने के लिए, फैक्ट्री रिसेट करनी होती है, लेकिन अकेला ये रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं राउटर को रिसेट करने के लिए। खासकर इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर, मतलब कि यू कह कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स है, गूगल है, फेसबुक है, फिर NSA है, फिर हमारे इसरो यहाँ पर, ONGC जैसी बहुत बड़ी कंपनीज जो होती है, इसी लाखों कंपनी जो है वो राउटर के अंदर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखती है। ओके। तो रीसेट क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं उसको समझाता चला जाऊंगा फटाफट। ओके। क्योंकि ये जो अगर मैं इसका लिए मैं एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा ये पूरा कवर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और हम समझते हैं कि रीसेट ये क्यों दिया गया होता है सभी राउटर के अंदर, छोटा मोटा कोई भी राउटर लो लेकिन सभी के अंदर ही रीसेट दिया हुआ होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नेम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके।
तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कॉम्पोनेंट ऑनलाइन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप से स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का, आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर, हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि इसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है, अपना जितना भी हो सके उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए।
और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो रिसेट की हम बात करते हैं, तो रिसेट क्या होता है? रिसेटिंग योर राउटर टू इट्स डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स स्टेट टू इज इजी टू डू। तो राउटर जो होता है वो डिफॉल्ट एक तरह का आउट बॉक्स, एक तरह का इजी आपको रीसेट करना, डिफॉल्ट कोई सेटिंग सेटअप करनी तो आपको रीसेट का यूज करना पड़ता है। यूजुअली ऑन नियरली एवरी राउटर ऑन मेस सिस्टम इज टेस्टेड। तो नज़दीकी कोई भी हमारे राउटर हो, कोई भी हमारे नेटवर्क हो, कोई भी टॉपिक हम यूज़ करते हैं रीसेट यूज करते हैं। ऑल यू डू इन सर्च ट्रेक पेपर क्लिप इन टू द रीसेट होल। नॉर्मली जितने भी हमारे राउटर होते हैं वो हम रीसेट पेपर क्लिप से हम क्या उस होल के अंदर हम उसको दबा कर रखते हैं उस पिन को। यहाँ पर ये जो है होल होता है यहाँ पर, और ये राउटर जो होता है उसके अंदर छोटे से पतली सी स्विच होती है। इस राउटर के अंदर इसको रिसेट करना है आपको, तो मिनिमम आपको 30 सेकंड या 10 सेकंड, जब तक कि राउटर रिसेट होकर फिर से शुरू ना हो तब तक उसको दबा के रखना होता है। तो पुश डाउन ऑन बटन उन्टी एलईडी फ्लिकर दैट इट। तो चाहे हम राउटर हम रिसेट करें या फिर हम स्विच रिसेट करें, मैनेजेबल स्विच रिसेट करें, कोई भी सिस्टम हो राउटर की, तो एलईडी जो होती है यहाँ पर जैसे एलईडी से वो जो है फ्लैश करती रहती है। तो अगर वो फ्लैशिंग शुरू कर देती है तो समझ लो कि जो है वो रिसेट हो चुकी है। बट बिफोर यू डू डैट मेक श्योर यू डोंट नीड टू रिस्टार्ट योर राउटर इंस्टेड। तो आपको ये श्योर कर लेना है कि जो अगर वो रिस्टार्ट हुआ है जरूरी है या नहीं है राउटर को, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो अगर हम ये अगर रिसेट करता हूँ तो वो रिसेट होने के बाद उसको रिस्टार्ट आपको देख लेना है कि यहाँ रिस्टार्ट की जरूरत है या नहीं। तो हो सके तो इसको रिस्टार्ट भी कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो एक यू कहे कि डंप फायर भी क्रिएट कर लेती है उसके अंदर। तो अब हम रिसेट करना तो किसे करना होता है मैं को समझा देता हूँ कि अगर राउटर को रिसेट करना है तब के पास पेपर क्लिप जैसे जो सिस्टम होती है, जैसे कि हम आज के टाइम के अंदर मोबाइल में सिम कार्ड निकालते तो वो जो पिन होती है पतली सी, तो कोई भी नुकीली चीज़ लेनी है और उसके अंदर दबा कर रखना है उस होल के अंदर जहाँ पर रिसेट लिखा होता है, लगभग 30 सेकंड या 20 सेकंड, जब तक कि राउटर के ऊपर जो एलईडी लाइट्स होती है वो ब्लिंक करना स्टार्ट ना करे तब तक। तो बट बिफोर यू कुछ श्योर कर लेना है कि आपको रिसेट किया है तो आपको कम्प्लीटली रिसेट रिसेट करना है या नहीं करना है ध्यान में रख लेना। इफ यू ट्रबल स्पीड इज यू पुलिंग अप 3 या 10 सेकंड। तो अगर आपके पास कुछ ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम स्पीड के लिए इश्यू है तो ये चीज आपको करनी होती है। रिसेटिंग इज अ लिटिल मोर ड्रास्टिक एंड शुड बी डन, नो अदर ऑप्शन। तो कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, आप अच्छी तरह से सबको इंटरेक्ट भी कर चुके हो, फिर भी तो रीसेट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये क्या होता है रीसेटिंग का सिस्टम? रीसेट जब हम कर लेते हैं तो हमारा राउटर जो होता है फैक्ट्री रीसेट मोड में चला जाता है। फैक्ट्री रीसेट मतलब कि जहाँ से राउटर जब बना और पहली बार उसके अंदर कोई प्रोग्राम्स और सेटिंग्स डाली है तो कंपनी का पूरा सेटिंग डिफॉल्ट ले लेगा, मतलब कि फ्रेश बन जाएगा, टोटली क्लियर बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं राउटर का हम रिसेट करते हैं, तो अपडेट या फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर क्या होता है? जिस तरह से हमारा गूगल एप्लीकेशंस के अंदर, गूगल हमारा प्ले स्टोर के अंदर हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं अपडेट करते हैं। अपडेट क्यों करते हैं? क्योंकि नए नए फीचर्स, नए नए इसकी जो फॉर्मवेयर के अंदर मतलब कि ओके कि उसकी लुकिंग्स उसकी सेटिंग्स में चेंज आता है और सर्विस भी आती है, तो उसे
हम क्यों करते हैं, एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट का मतलब कि पुराने सिस्टम जो है डेटा रहेगा, लेकिन पुराने जो सिस्टम जो निकल जाएंगे और नए सिस्टम आएंगे। ओके, सेटिंग्स भी वही रहेंगे। ओके, तो फॉर्मेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोलिंग यूज लॉन्च राउटर और पीएस सिस्टम। ओके, फॉर्मेम ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का फॉर्मेम होता है, वही आपके राउटर को चलाता है, वही आपके राउटर को कंट्रोल करता है। ओके, जो भी हम कमांड देते हैं, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो भी हम सेटिंग करते हैं, वो फॉर्मेम ही हमारा जो है मेन इंपोर्टेंट सिस्टम होता है। तो जस्ट लाइक विंडोज है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही, कुछ ऐसी बड़े बड़े आज के टाइम के अंदर राउटर चलाना है चाहती है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप चाहते हो कि कंप्यूटर को राउटर बनाओ, तो वो भी आपको मिलते, तो ये सॉफ्टवेयर भी फॉर्मेम ही होते हैं। योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस वी प्लग इन इनटू सैन लाइन वैली सिटी की तरह, यू डोंट वांट दैट। ओके, तो आपको राउटर नहीं चाहिए, आप इसको फॉर्मेम भी कुछ इस तरह खास तरह के सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। तो आपको क्या चाहिए होता है कि आपको चाहिए होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको अपडेट करनी पड़ती है, लेटेस्ट फिक्स करनी पड़ती है, कुछ कोड जो है ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, और आपको ब्लेजिंग लाइक चीता लाइक परफॉर्मेंस का, तो आपको काफ़ी हाई लेवल की सिस्टम के अंदर कोड को ऑप्टिमाइजेशन करवाना पड़ता है, लेटेस्ट कोई नई सिस्टम। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारा राउटर चल रहा है, अब सिस्को का राउटर चल रहा है, सिस्को की सर्वर ने कुछ इंजीनियर्स ने नए सिस्टम की फाइल्स बनाई और इसके अंदर सर्वर के अंदर अपलोड कर दिया। अब राउटर को पता चलता है कि मेरा कोई अपडेट आया, मेरा कोई फर्मवेयर आया, मेरा कोई सर्विसेज कोई भी कुछ प्रोग्राम नया है, तो हमें जो राउटर में से जो है वो उसको अपडेट करवाना पड़ता है, वरना ये पुराना टाइप के अंदर जो है नए सिस्टम का हमारा जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा। तो अगर हम इसको अपडेट करें तो पहला राउटर जाएगा उस वेबसाइट के थ्रू और फिर उस सिस्को की राउटर के अंदर से अपना डेटा लेना शुरू करेगा। वो डेटा डाउनलोड करने के बाद वो होता है वो रिस्टार्ट, और वो उसके अंदर जितने भी सेटिंग्स वगैरह जो होते हैं उसको अपडेट कर लेता है, और फिर इसके अंदर जो नए सिस्टम की फाइल्स को इंस्टॉल करके नया एक अपना अपडेट सेटअप होता है। ओके, तो पहला हमारा रीज़न होता है कि रीसेट हम क्यों करते हैं। पहला हमारा होता है कारण, हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भूल जाते हैं। देखिए, राउटर जो होता है उसको बहुत सेंसिटिव टाइप का डिवाइस होता है, उसकी सिक्योरिटी पहले हमें देनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो पहला डेटा आता है इंटरनेट या फिर डेटा में पहला कोई भी डेटा जाएगा इंटरनेट पर भेजेगा वो राउटर ही होता है, तो उसके लिए हमें एडमिन पासवर्ड इम्पोर्टेंट होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। ओके, तो हो सके तो एडमिन कभी भी मत लिखना अपने राउटर के अंदर, हो सके तो कोई अलग सा नाम रखे, एडमिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि जैसे कि अंकित करके कोई है या कभी अजय करके कोई है, तो वो मैंने उसका अजय नाम दे दिया यूज़र का और उसका पासवर्ड मैंने रख दिया। मुझे इतना याद रखा कि अजय करके जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और अंकित करके लिखा हुआ है वो लोकल है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है उसका कभी भी पासवर्ड किसी को बोलना नहीं चाहिए, ओके, कहना भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ इंजीनियर्स को ही पता होना चाहिए और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अपन पता होना चाहिए। लेकिन इन केस मान के चलते हैं कि राउटर के अंदर कोई सेटिंग्स करना आया और सेटिंग्स करते वक्त अपने पासवर्ड भूल चुके हैं, पासवर्ड याद ही नहीं, तब हमें एक सिस्टम मिलती है जिसको कहते हैं रीसेट। ओके, तो रीसेट तब हम करते हैं, तो यू आर फोर्स क्रिएट पासवर्ड व्हेन फर्स्ट अप राउटर और मेरे सिस्टम। अगर हम सिस्टम के अंदर कोई भी सेटिंग्स करते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमें चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, और वो भी कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो है बहुत सारे राउटर्स वगैरह जो होती है जैसे कि इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर जहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो होती है, एयरटेल है, जियो है, उनके हज़ारों राउटर जो होते हैं वो इंडिया के अंदर होते हैं, सभी के जो ही ग्रुप अलग अलग होते हैं और उनकी कंट्रोलिंग, उनके मैनेजमेंट सिस्टम भी अलग अलग होती है, और हर राउटर की आईपी एड्रेस, उसके इंटरफेस, उसके गेटवेज, उसकी राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोसेसिंग और उसके यूजर पासवर्ड भी अलग अलग होते हैं। अब मेन चीज़ मान के चलते कि कोई ऐसा राउटर है जिसका आपने पासवर्ड रखा और भूल गए,
तो जनरली ये जो पासवर्ड स्टोर होता है हमारा कहाँ, राउटर की सेटिंग्स के अंदर ही वो पासवर्ड जो है सेव होता है। लेकिन कुछ रीज़न कोई भी हो सकता है, कोई भी रीज़न इस वजह कि आपको पासवर्ड याद नहीं रहा, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसको राउटर को रीसेट करना पड़ता है। तो जितने भी हमारे सिक्योरिटी है, सेफ्टी की एग्जाम्पल देता हूँ, पेप लिंक का ये राउटर है, ओके। अब ये पेप लिंक का राउटर है तो पेप लिंक के अंदर मैंने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है देख सकती हो, जैसे कि एडमिन सिक्योरिटी, मैंने टाइम वगैरह शेड्यूल वगैरह, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स वगैरह कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी किए, कुछ हमने पिंग वगैरह वगैरह बहुत से अपने को प्रोटोकॉल्स वगैरह जो मैंने रखे हुए, तो उसके अंदर मुझे लॉग इन होने के लिए पासवर्ड मुझे चाहिए होता है। तो एडमिन है और एडमिन का पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तो मुझे जो है वो राउटर को रिसेट करना पड़ेगा, उसका अलावा कोई रास्ता नहीं है, ओके। तो इन स्पेशली होल ट्रू इफ यू सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है योर पासवर्ड की। आज के टाइम के अंदर राउटर को सेफ्टी रखने के लिए एक तरह का और नई मेथड आ चुकी, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब कि आपका बर्थडे कौन सा है, आपका प्लेस कौन सा है, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, तो आप जो राउट उस क्वेश्चन की आंसर सही दोगे तो वो जो है वो आपका राउटर जो है रिसेट करने का एक सेटिंग्स मिलता है, एक चांस मिलता है। लेकिन अगर नहीं ये चीज़ है आपके राउटर के अंदर, तो आपको राउटर को रिसेट करना ही होगा, ओके। तो अगर आप आंसर भी ये भी चीज़ आप भूल जाते हो तो आपको भी रिसेट करना पड़ेगा राउटर को। तो ये ज़्यादातर DSO के अंदर होता है, अगर जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ओके, राउटर्स वगैरह। और नया केबल हम सेट या फिटिंग करते हैं तो ऐसे राउटर्स जो होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि पुराने राउटर के अंदर पासवर्ड क्या होता है, तो वो जो नई लाइन सेटअप करनी है तो उसके अंदर भी आपको राउटर को रीसेट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही रीसेट करते हो तो पूरी सेटिंग जो है वो निकल जाएगी, जैसे कि हमने कितना CL है, SSH पोर्ट रखा हुआ, लैन ओनली क्या है, HTTP SSH चला रहा है, यहाँ पर HTTP चला रहा हूँ, यहाँ पर या तो फिर हमारे सेटअप की नेटवर्क की IP एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये जो इंटरफेस ओपन करने के लिए तो पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको चाहिए होगा, इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं, ओके। तो यूज़र आईडी पासवर्ड होगा तभी चलेगा। अब दूसरी मेन चीज़, दूसरा रीज़न, दूसरा कारण रिसेट हम क्यों करते हैं राउटर को, कि आप सही पासवर्ड डाल रहे हो, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र भी पता है कि यह मेरा यूज़र ये है और पासवर्ड भी सही डाल रहे हो, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। आप मेन चीज़ मैंने तो आपको पहला रीज़न बता दिया कि आप पासवर्ड भूल चुके, वो बात अलग है, लेकिन सही पासवर्ड डालते हो, आपके पास लिस्ट होती है, जो होशियार इंजीनियर होते तो क्या करती है, वो अपनी लिस्ट रखती है मोबाइल के अंदर, या तो फिर खास तरह की उनके जो मेन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है एक्सेल के अंदर, बहुत सारे तरीके जो अपने पासवर्ड को सेव रख सकते हो। लेकिन वही सेम आपने पासवर्ड रखा है फिर भी वो जो है रिजेक्ट कर लेता है, इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, तब क्या करना था। तो इट कैन हैपन, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो हम हमेशा हैक की सिस्टम में आ जाते हैं, ये जो हैक किए गए वो राउटर्स होते हैं। तो अगर हैकर को आपके नेटवर्क के अंदर घुसना है, आपके नेटवर्क के अंदर आना है, तो वो हमेशा राउटर को टारगेट पहला करता है, आपके नेटवर्क के राउटर में सिस्टम को टारगेट करता है। और हैकर क्या करता है कि अगर एक बार राउटर कंप्रोमाइज हो जाता है, बहुत सारे तरीके हैं इसकी राउटर को उसको हैक करने के, तो राउटर क्या होता है कि उस सिस्टम के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके हैकर जो है इसको हैक कर लेता है, इसका जो फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर मतलब इसका जो प्रोग्राम होता है, इसका सिस्टम जो होता है वो ओपन कर लेता है, ओके। अब उसने बैकडोर ओपन करके, उसने वायरस डाल के कुछ भी XYZ करके वो आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन हो चुका है, आ चुका है आपके राउटर के, तो वो क्या करेगा, वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड रखेगा। आपका यूज़र आईडी तो उसको पता ही नहीं होगा, ओके, कि आपने कौन सा पासवर्ड रखा है, कौन सा सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन उसने जो है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड रखा आपके राउटर के अंदर, और आप जो इसको यूज़ करते हो, उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो जो है वो रिजेक्ट कर देता है राउटर।
तो इसका मतलब ये कि ये जो है किसी ने सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए या तो फिर उसको उसको यूँ कहे कि उसको सेटअप कर दिया है अपने तरीके से दूसरे हैकर ने। तो ऐसे जो है हमने से क्या होता है, एक्सपेक्ट होता है सम काइंड ग्लिच टू रन योर डे। ओके, ये जैसे जैसे राउटर जो होते हैं वो ऐसे पासवर्ड जो होते हैं वो हैक कर लेते हैं। तो VPC पासवर्ड जो होता है वो वेल लाइक मिड स्टोर फ्रीज वे लॉन्ग, ऐसे कभी भी पासवर्ड जो होते हैं वो हैक होने के कारण कभी भी लॉन्ग टाइम लॉन्ग सिस्टम के अंदर सेटअप नहीं होना चाहिए। ओके, कहने का मतलब जो होता है कि जो हैकर जो होते हैं वो जानते हैं कि मुझे क्या हैक करना है, तो आपके नेटवर्क के अंदर एंटर होना है तो कहीं ना कहीं वो राउटर को पहले वो एक्सेस करने की कोशिश करता है। अगर एक बार राउटर जो है कॉम्प्रोमाइज होकर अपना पासवर्ड या यूजर आईडी हैकर को मिल जाता है किसी भी करके, उसके बहुत सारे रीज़न है आपके सामने देख सकते हो कि हैकिंग करके या तो फिशिंग करके या स्पैमिंग करके। तो ये तीन चीज़ की आज के टाइम के अंदर बहुत पॉपुलर है। मैं आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ कुछ अपने एथिकल हैकिंग के अंदर। ओके, तो कंप्यूटर एथिकल हैकिंग का मैंने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, और इसके अंदर बहुत सारे हैकिंग के ट्रिप्स जो है कैसे बचना है साइबर सिक्योरिटी के, मैंने पहला वर्जन शुरू किया है। अभी दूसरा वर्जन भी मैं शुरू करूँगा लेकिन उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पहले वर्जन के अंदर मैंने आपको पूरा मालवेयर अटैक वगैरह समझा है, मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा है यहाँ पर। तो पहला हैकिंग, अगर हैकिंग से नहीं होता तो फिशिंग से करें, अगर फिशिंग नहीं होता तो स्पैमिंग करें। अगर ये चीज़ करता है, अगर इसके सक्सेस होता तो क्या क्या मिल जाएगा राउटर के थ्रू, आपकी स्टोरेज की सिक्योरिटी मिल जाती है। ओके, आपके सर्वर के अंदर क्या क्या स्टोर किया है, कौन कौन सा डेटा, उसको भी हैक करना शुरू करें, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आपके अंदर कौन कौन से और भी डिवाइसेस जो है सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। तीसरी चीज़ आपको हैक करेगा वो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, सर्वर्स वगैरह हो गए, सर एप्लीकेशन सर्वर्स वगैरह होगी। चौथी क्लाउड, अगर आपने सिस्टम यूज़ कर रहे हैं क्लाउड सिक्योरिटी, उसको भी हैक करेगा। और चौथा फायर जो लास्ट में होगा वो नेटवर्क सिक्योरिटी हैक कर देगा। तो राउटर रिजेक्ट क्यों करता है बार बार, अगर आपने सही पासवर्ड डालना है फिर भी, तो समझ लो कि हैकर ने जो है वो हैक किया हुआ है राउटर को, क्योंकि उसने अपने तरीके से अपना यूजर और पासवर्ड डाला है। जब भी जब चाहे जब जैसे भी सिस्टम के अंदर वो आपको जब चाहे वो एंटर करने के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि राउटर जो होता है जो भी डेटा आता है तो वो जो है हैकर जो है उस डेटा को कैप्चर करता है, और उसके अंदर जो भी आपके डेटा भेजे जैसे कि पासवर्ड भेजा है, जीमेल का पासवर्ड भेजा है, या वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, या कोई भी आप कॉल कर रहे हो, सो एक्स वाई जो भी देख रहे हो वो हैकर भी देख सकता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि गूगल जैसी कंपनी क्या करती है, हमेशा बाहरी नेटवर्क को इंटरनल नेटवर्क में कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस जो होती है उस राउटर पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। गूगल जैसी कंपनी, जो गूगल है, फेसबुक है, इसरो जैसी कंपनी से IANA है, फिर नासा है, बहुत सारी ऐसी कंपनी उस राउटर को ही ध्यान में रखते हैं। अलग से उनकी टीम होती है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और हर समय डेली वो जो है वो चेक करते रहते हैं अपने सिस्टम की, उसकी अलग से सेटअप होती है, उसकी अलग से सेटिंग होती है। तो राउटर क्या करता है, मैंने को समझा था कि दो अलग अलग कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दोनों अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर होता है। लेकिन राउटर की सेफ्टी के लिए हम यूज़र आईडी और पासवर्ड रखते हैं, जिस तरह से हम कंप्यूटर का हम यूज़र आईडी पासवर्ड रखते हैं, उसी तरह से हम राउटर का भी यूज़र और पासवर्ड रखते हैं। तो राउटर का यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे रखना होता है वो भी मैं समझाऊंगा अभी नहीं। ओके, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा कब हम रिसेट करते हैं, तब अगर आपको पता चल जाए कि ये जो है कोई राउटर, तो सीधा आपको एक ही चांस मिलता है रीसेट को राउटर को। अगर राउटर को रीसेट कर दिया तो नए तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड को, ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे पब्लिक नेटवर्क यूज़ करने वाले लोग होते हैं, इनमें से आपको यूज़ करने वाले जितने भी राउटर्स होते हैं या तो फिर कोई भी कंट्री में से कोई भी आपके नेटवर्क के अंदर आ सकता है, आपको अटैक कर सकता है, हैक करने की कोशिश करता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी हम बात करें तो गूगल जैसी कंपनी जो होती है वो हमेशा रेडी रखती है अपनी टीम्स को, और अलग से उनकी जो है IT फील्ड के अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग कनेक्टिविटी जो होती है वो शेयर करती है, कहीं कि हमारे सेटिंग सेटअप और भी बहुत सारी चीज़ों को हो वो एक एक्सेप्ट यूँ कहे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक
यू कहे कि हमेशा होल पर रखते अपने टीम को, ओके, और वो हमेशा चेक करते रहते कि वो कौन से सिस्टम कहाँ पर किस तरह से हैक होती है, तो फिर वो हैक होती है तो उसको किस तरह से वो जो है सेटअप जो है वो परफेक्टली इसको कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करने का काम करती है। तो बहुत सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट की, वो पहले ये चीज़ ध्यान में रखती है। आप पता भी लगा सकते हो कहाँ से कौन से तरह से जो हैक हुआ है यहाँ पर, तो उसकी भी अलग से ही उनकी राउटर के अंदर ही हमारे कुछ ऐसे खास तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हमारा NMQI हो गया, हमारा ट्रेस रूट कमांड हो गया, फिर हमारा RIP कमांड हो गया, RIP सिस्टम राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गए। तो ऐसे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमें बता देते हैं कि राउटर के ऊपर हमारा कोई अटैक हो रहा है, या फिर वो चीज़ होती है वो आप देख सकते हो कि कहाँ से वो डेटा हैक करने के लिए हमें राउटर के अंदर भेजा जाता है या फिर वो सेंड होता है। तो राउटर का एक सिस्टम होता है यहाँ पर, ओके। तो हमारा जो लैन जो होता है, लैन के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, अगर राउटर हैक हो गया और वो सिस्टम के अंदर आ चुका तो पूरा लैन को जो है वो हैक करना शुरू कर गया, देख सकते हो जितने भी कनेक्शन हो या जितने भी कनेक्टिविटी करते हैं। तो लैन जो होता है, हर कंपनी की अपनी लैन कनेक्टिविटी लैन कनेक्शन होती है। लैन का मतलब ही यही होता है कि आप लोकल कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क के एक्सेस सिस्टम्स को बाहरी कनेक्शन के अंदर भेजना चाहते हो या फिर लैन से लैन के अंदर कनेक्टिविटी करना चाहते हो, तो आपको आपको चाहिए होता है राउटर, ओके। तो ये होता है राउटर का काम, ओके, मेन चीज आपको ध्यान में रखना होता है। यू रिबूट इट मल्टीपल टाइम्स अ डे। अब क्या होता है कि राउटर जो है बार बार चालू बंद होता जाता है, ओके, बार बार। तीसरा रीज़न है रीसेट कब करती है। तो एक बार राउटर अपना चालू किया, फिर बंद हुआ, फिर से शुरू हुआ, फिर भी। तो ये क्या होता है कि दिस इज़ अ साइन योर राउटर इज फेलिंग इन जनरल, ओके। कभी कभी हमारा राउटर जो है फेल हो जाता है। फेल का मतलब कि उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम या तो उसकी फाइल जो है करप्ट हो जाती है वायरस के कारण। लेकिन ये जो है रास्ता एक अच्छा हमारा फर्मवेयर जो होता है वो रिलेटेड इश्यू होता है। फर्मवेयर मतलब कि हमारा राउटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका प्रॉब्लम होता है। तो बिफोर यू परचेज अ रिप्लेसमेंट फैक्ट्री रिसेट, तो आपको पहले ध्यान में रखना है कि फैक्ट्री रिसेट कर दो। रिसेट करोगे तो वो रिफ्रेश हमारा फर्मवेयर हो जाता है, क्योंकि राउटर से ही एक स्विच में से दूसरे स्विच के अंदर स्विच करने का काम करता है, इंटरनेट को देने का काम करता है। तो जो वो एक जगह से दूसरी जगह पर राउटर जो है डेटा भेजने का काम, रिसेट करने का काम, जो भी मतलब कि सेंड करने का काम, तो राउटर के अंदर जो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग जो होती है वो कभी कभी उसकी जो फाइल जो होती है वो फेल हो जाती है, उसकी सर्विसेज जो होती है वो रिसेट अच्छी तरह से नहीं हो पाती, तो उसको हम फिर रिसेट करते हैं, ओके। तो क्लियरली जो भी हमारा इश्यू होगा वो ऑलमोस्ट जो है राउटर के अंदर खत्म हो जाता है। और ज़्यादातर DSL राउटर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, DSL राउटर और मॉड्यूलर राउटर के अंदर कम देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर DSL राउटर के अंदर कभी कभी जो है हमारा प्रॉब्लम या तो फिर पावर ज़्यादा आने के कारण या तो फिर पावर की जो है मिसलीडिंग के कारण जो है हमारा अचानक पावर चला जाना या तो फिर अचानक पावर ज़्यादा बढ़ जाना, तो इस वजह से जो है वो सर्किट जो है परफेक्टली कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम होती है। और इस वजह से हमारे जो इश्यू होते हैं राउटर की मॉड्यूलर राउटर होते हैं, उसके पास हमने अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया है तो भी हमारा राउटर जो है ख़राब हो जाता है, ओके। तो राउटर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा यू कहीं कि सेंड करता है डेटा, जैसे होता है वो भी भेजता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब भी कोई राउटर जो होता है इंटरफेसिस वगैरह जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शेयरिंग होता है, कनेक्टिविटी होता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते कि वो राउटर जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम यू कहे कि वो फर्मवेयर जो होता है उसका जो प्रोग्राम होता है वो एक तरह से बार बार रिबूट चालू बंद होता रहता, ओके। चौथा रीज़न है रीसेट क्यों करते हैं। तो चौथा रीज़न इसलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं अनयूजुअली स्लो पे। हमने राउटर लिया कि भाई 10 GBPS होगा राउटर की स्पीड और हमें मिलती है 52 MBPS, तो वो भी वायर कनेक्शन के ऊपर, तो क्यों होता है ऐसा। तो दिस इज अनदर साइन योर राउटर
और मेश सिस्टम फेलिंग इन जनरल। ओके, कहने का मतलब कि दूसरे साइन होते हैं राउटर के अंदर कि हमारा जो है फेलिंग होता है कुछ इसे राउटर की हमारे कनेक्टिविटी के खास तरह की जो कुछ ऐसे सेटिंग्स वगैरह अप डाउन हो या तो फिर यू कही कि ऐसे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो वायरस के कारण कॉम्प्रोमाइज होते हैं या तो फिर सर्विस जो होती है वो ठीक से काम नहीं करती, तो इसको लिए हम फिर क्या करते हैं लास्ट में इसको रिसेट करना पड़ता है। ओके, पांचवा रीजन जो है तो इसके अंदर जो होता है अगर आपने राउटर के अंदर फर्मवेयर अपडेट किया है लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी जो प्रोग्राम जो है आपने अपडेट किया लेकिन फिर भी जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता, किसे नहीं काम करता, इसका रीज़न क्या होता है। फर्मवेयर अपडेट आर ऑलवेज स्मूथ, की फर्मवेयर मतलब जब भी कोई नया प्रोग्राम बनाया जाता है राउटर के अंदर तो हमेशा के सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए सेटिंग अच्छी तरह से चलाने के लिए बना देता है। तो एंड सेटिंग यू हैड पीरियड अपडेट में नॉट जीव विथ न्यू फर्मवेयर वर्जन। ओके, तो कभी कभी जो है वो हमारे राउटर के अंदर नया फर्मवेयर वर्जन आने के कारण वो क्लियरली जो है वो पिकअप नहीं कर पाता, मतलब कि नया नया कोई सेटिंग्स आया, नया नया कोई सिस्टम, मतलब सिस्टम जो है वो हमारे पुराने वाले सेटिंग्स के साथ मिस मैच हो जाता है या तो फिर वो यू कहे कि हमारा जो पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम या पुराना राउटर के अंदर प्रोग्राम था वो नए वाले प्रोग्राम के अंदर वो और पुराने वाले सेटिंग जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो पहले फॉरवर्ड आप अपडेट कर दीजिए और फिर उसको रीसेट कर दीजिए। ओके, पहले तो आपको देखना है कि फॉरवर्ड अपडेट किया है तो फिर मेरा राउटर कम्प्लीटली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपने राउटर के अंदर अपडेट की है तो अपडेट करने के बाद मेरा राउटर जो है काफ़ी अच्छी तरह से चलेगा और चलेगा तो फिर कंटिन्यूसली किस तरह से वो अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे ही आपने फॉर्म में अपडेट किया, राउटर को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद भी आपका राउटर जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है आप तो समझ लो कि वो उसको रीसेट करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्म में पहले अपडेट कर लो, इसको इंस्टॉल कर लो और फिर इसको रीसेट करो, आपकी सेटिंग जो है फिर से आपको लगानी पड़ेगी। तो इफ़ योर राउटर में सेटिंग क्वालिटी पीएस फॉर रीसेट के लिए होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो शुरुआत करता है इसी तरह से। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि होता है कि जहाँ जहाँ हमारा कम्युनिकेशन होता है वो भी आपको समझाता चलता हूँ। ओके, तो हमारा जो है यूएसबी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कि यूएसबी क्या होता है। ओके, यूएसबी टेक्नोलॉजी क्या होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट रिसेट के बाद हम यूएसबी पोर्ट की यूएसबी कनेक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूएसबी क्यों यूज़ करते हैं, यूएसबी सिस्टम क्या होता है, सब कुछ एक्सरसाइज है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल को भी करना ना भूले। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बार बार इस वीडियो को देखिए। ओके, तो मैंने को रीसेट की पूरी जो सिस्टम जो है समझा दी मैंने, यही मेन चीज़ आपकी स्विच के अंदर भी को रीसेट क्यों करते हैं, यही सेम रीज़न होते हैं। हालांकि मैंने अंदर स्विच के अंदर रीसेट नहीं समझा लेकिन राउटर के अंदर ही मैंने कह दिया था कि राउटर के अंदर जो रीज़न बताऊंगा वही रीज़न जो है आपकी स्विच के अंदर भी यूज़ होते हैं। ओके, तो मैनेजेबल स्विच होती है उसके अंदर भी रीसेट स्विच होती है, तो मैनेजेबल के अंदर ये फाइव रीज़न होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूएसबी पोर्ट के बारे में। अगर आप देखोगे कि राउटर के अंदर यूएसबी पोर्ट होता है और स्विच के अंदर भी यूएसबी पोर्ट होता है, ये दोनों रीज़न जो है हमारे सेम ही चीज़ मिलेगी। तो ये क्यों टेक्नोलॉजी यूएसबी अंदर एंटर की गई राउटर के अंदर और स्विच के अंदर, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक सिटी विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो भी विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी है कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स
कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम का यहाँ हो, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही कि यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्ले लिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।